अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। इंशाल्लाह आप लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बहुत 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 अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आज मैं बनाने जा रही हूँ। वैसे तो मैं बनाने वाली थी, मैं और हस्बैंड चाहते थे कि मैं बनाऊँ पुलाव, जी हाँ चिकन पुलाव। लेकिन बच्चे जो है वो कहते हैं कि नहीं मम्मी, हमको बिल्कुल भी चिकन पुलाव नहीं खाना है, क्योंकि बच्चों को जो है मेरे अक्सर चिकन पुलाव बहुत ही ज़्यादा पसंद नहीं है। उनको बिरयानी पसंद है मगर पुलाव पसंद नहीं है। और मेरा मन था पुलाव खाने का, मेरे हस्बैंड का मन भी था पुलाव खाने का। तो फिर मैंने सोचा क्या जुगाड़ लगा, वो समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने ऐसा एक जुगाड़ किया कि मैंने सोचा मैं ऐसे करती हूँ कि बच्चे जो है वो रहे चिकन पुलाव नहीं खाएंगे, लेकिन उनकी ये फरमाइश थी कि वो लोग चाहते थे कि वो चिकन लॉलीपॉप और चिकन फ्राई खाएं। तो मैंने एक काम किया, मैंने सोचा कि मैं पुलाव तो बना देती हूँ लेकिन मटर पुलाव बनाती हूँ, और साथ में मैं जो चिकन है जो मैं पुलाव में डालने वाली थी उसी चिकन को मैं मैरिनेट वगैरह करके अच्छे से बच्चों को फ्राई करके दे दूँगी। तो फिर मैंने यही सोचा, फिर मैंने बच्चों के साथ भी अपनी बात को शेयर की। तो मतलब अपने बच्चों को बताया कि मैं ज़ाबिया ज़ोहर में से सोच रही हूँ कि मैं करूँ, तो बच्चों ने भी मेरी बातों को एग्री कर लिया और वो भी खुश हो गए, बोले मम्मी ये तो बहुत अच्छा जुगाड़ लगाया आपने, तुम्हारी पुलाव की तमन्ना भी पूरी हो जाएगी और साथ में तुम चिकन ऐड कर लेना उसमें, और हम लोगों की चिकन फ्राई खाने की भी मतलब जो हम लोग की क्रेविंग हो रही है वो हम लोग की पूरी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने किया। और देखिए आप देख सकते होंगे कि मैंने क्या किया, पतीला लिया है, एक पतीली ली है, सॉरी ये मैं बार बार, मेरी जो ज़बान है ना वो थोड़ी सी लड़खड़ाती है क्योंकि मुझे आदत नहीं है वॉइस ओवर करने की, और मैं कोशिश कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी कोशिश अच्छी लगे। फ्रेंड्स अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों ये देखो मैंने राइस ले लिए थे, कोलम राइस, राइस अभी आगे आपको और देखने मिलेगा। तो ये प्याज यूटेंसिल ले लिया, उसमें ऑयल ऐड कर दिया, ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हो, और मैंने उसके साथ जो है 2 मीडियम साइज़ की प्याज ऐड कर दी है। तो फ्रेंड्स आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से मस्टर्ड ऑयल ले लो, सनफ्लावर ऑयल ले लो, रिफाइंड मतलब कोई भी आप रिफाइंड ऑयल ले लो, आपको जो आपको चाहे तो घी में बना लो, घी में बना लोगे तो और ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएगा क्योंकि घी जो है और ज़्यादा स्वाद और सुगंध देता है खाने में। तो मेरे पास तो घी ख़त्म हो गया है, मैं घर में ही बनाती हूँ फिलहाल, ख़त्म है। इंशाल्लाह भी दही घी भी जमा करूँगी तब, सॉरी मतलब मलाई जमा करूँगी तब बनाऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने चावल ले लिए हैं, कोलम राइस है ये कोलम राइस है। तो ये देखिए मैं ना जब प्याज काट रही थी ना मेरा हाथ कट गया, साथ में मेरा अंगूठा भी कट गया। जल्दी जल्दी में काम करने से ना यही नुकसान होता है, इसके लिए बोलते हैं जल्दी का काम शैतान का काम, इसलिए हमेशा सब्र से काम करना चाहिए, जो कि मैं ज़्यादातर तो नहीं करती हूँ, क्यों झूठ बोलूँ। तो फ्रेंड्स मैंने ले लिए हैं कुछ प्याज, टमाटर और 2-4 हरी मिर्चें, अगर इसमें मैं थोड़ी सी लाल मिर्च भी ऐड करूँगी, और साथ में कुछ खड़े मसाले हैं, तेज़पत्ता, दालचीनी, जीरा, काली मिर्च, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, और साथ में थोड़ी बहुत धनिया। और मेरे पास पुदीना नहीं था फ्रेंड्स, लेकिन आप पुदीना ज़रूर लेना तो पुलाव का टेस्ट बढ़ जाएगा। और ये कुछ मटर है, मैं मटर कम ही डालूंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड को मटर भी पसंद नहीं है, मटर भी नहीं है, चिकन भी नहीं है, पता नहीं है पुलाव कैसे टेस्टी तो बनेगा वैसे, लेकिन फिर भी जो है जो चिकन का जो ग्रेवी पुलाव के अंदर जाता है और जो पुलाव का फिर जो टेस्ट बाहर निकल कर आता है ना उसकी तो बात ही अलग है। चलिए कोई बात नहीं, मैं बच्चों के लिए थोड़ा बहुत मैं एडजस्ट तो कर ही सकती हूँ फ्रेंड्स। तो ये हाँ मैं आई धनिया पर ना, हाँ मैं धनिया के बारे में बता रही थी। तो धनिया के बारे में मैं ये बता रही थी कि अगर मटर की जो क्वांटिटी है आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, धनिया को भी आप चाहो तो थोड़ा बढ़ा भी सकते हो। मेरे पास कड़ी पत्ता नहीं था वरना मैं इसमें कड़ी पत्ता भी ऐड कर देती, आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा कड़ी पत्ता और पुदीना, तो पुलाव का जो टेस्ट है वो बहुत ही इन्हेंस हो जाएगा। तो चलते फिर नेक्स्ट इस पर, नेक्स्ट स्टेप पर आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी मुझे बताना कि आप लोग जो है आप लोगों का पुलाव बनाने का तरीका कौन सा होता है, क्योंकि पुलाव ना बहुत अलग अलग तरीके से भी बन सकते हो। आप देखिए आप इसमें फ्लावर डाल दो, आलू डाल दो, तो ये एकदम से मतलब वेज पुलाव बन जाएगा पूरी तरह से, ये मटर नहीं वेज पुलाव कहलाया जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मेरी प्याज जो है ना वो ये हो रही है, मतलब फ्राई हो रही है, गोल्डन ब्राउन हो रही है। तो इसको जो है अगर आप चाहो तो इस टाइम पर ना आप पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लो हल्का सा, फिर आधी प्याज है ना आप निकाल दो तो वो गार्निशिंग में ना आपको काम आएगी। बट मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने क्या किया मतलब पूरा जो पुलाव मतलब मैंने ऊपर से गार्निशिंग नहीं किया था पुलाव को, क्योंकि बच्चे ना मेरे वो भी बिचारते रहते हैं मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता। इन बच्चों का अगर कोई हल होगा ये सब चीज़ों का तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताना फ्रेंड, मैं ज़रूर उस ट्रिक को आजमाऊंगी। तो ये रहे फ्रेंड्स, अब मैंने क्या कर दिया है मतलब इसके अंदर हरी मिर्ची डाल दी है, प्याज के अंदर मैंने हरी मिर्ची ऐड कर दी है, ये मैंने कुछ काटी है, और कुछ ना मुझे भजिए के साथ में जो मिर्ची वो वड़े पाव वाले भैया जी मिर्ची देते हैं ना बांध के पार्सल में, तो वो मिर्ची रखी हुई थी, मैंने सोची क्यों वेस्ट करना चाहिए इसको भी डाल देती हूँ, ये भी अच्छी टेस्टी होती है क्योंकि तेल में फ्राई की हुई होती है ना।
तो फिर मैंने उसको भी डाल दिया। ये देखिए मेरा कैमरा जो है ना भाप से पूरा ब्लर हो रहा था। अब देखिए मैं इसमें क्या कर रही हूँ, टमाटर ऐड कर रही हूँ, टमाटर ऐड करूँगी, टमाटर ऐड कर दिया। अब टमाटर को जो है हम लोग टमाटोज़ को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे ताकि वो अच्छे से गल जाए, क्योंकि टमाटर अच्छे से गल जाएंगे ना तो फिर मसाला और अच्छे से हम भून लेंगे। अब ये हो गया, अब मैं इसमें खड़े मसाले डाल दूँगी। आप चाहो तो टमाटर डालने से पहले भी खड़े मसाले डाल सकते हो, मैंने लास्ट में इसलिए डाला ना क्योंकि वो थोड़े और अच्छे फ्लेवर देते हैं। मतलब अगर स्टार्टिंग में ही डाल दो ना खड़े मसाले तो थोड़ा सा ना वो कभी कभी ऐसे जल जाते हैं, इसके लिए मैं क्या करती हूँ हमेशा खड़े मसाले ना प्याज मिर्ची ये सब डालने के बाद डालती हूँ। आप लोग भी ऐसे कभी एक बार ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा मतलब पुलाव में। और फिर देखिए अब मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ, तो पुलाव जो मुझे थोड़ा ही बनाना है सॉरी पुलाव जो है मुझे थोड़ा ही बनाना है, तो मैं जाहिर सी बात है पेस्ट भी थोड़ा ही डालूंगी, क्योंकि आधा आधा किलो ही कुछ मैंने चावल लिए हैं, तो वो हिसाब से मैंने 1 से 2 टेबल स्पून जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है। तो इसमें चली गई प्याज, टमाटर, मिर्चे, खड़े मसाले और जिंजर गार्लिक यानी अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इन सबको जो है आपको बहुत बहुत और बहुत अच्छी तरह से भूनना है, क्योंकि जो अदरक लहसुन का जो कच्चा स्मेल होता है ना उसका रॉ स्मेल वो आपको पूरा पूरी तरह से ख़त्म करना है। अब मैंने भूनने के बाद मतलब 1 से 2 मिनट, उसके बाद मैंने मटर ऐड कर दिया है। देखिए मटर है ना मैंने बहुत कम लिया है, अगर आप चाहो ना तो मटर थोड़ा सा बढ़ा दो, मैंने मेरे हस्बैंड की वजह से कम लिया है। अगर मुझे खाना होता पुलाव तो मैं तो भर भर कर डालती भाई, क्योंकि मटर जो है हमारी सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। वो क्या है ना मेरे हस्बैंड को थोड़ा गैस हो जाती है, बस यही मसला है। हाँ तो फ्रेंड्स मतलब हर चीज़ ना पकाते वक्त हस्बैंड बच्चे सबको सोच सोच कर मुझे पकाना होता है। अगर आप भी ऐसा करते हो ना तो कमेंट्स बॉक्स में एक यस मुझे ज़रूर छोड़ देना। तो फ्रेंड्स ये है मिर्ची पाउडर, क्योंकि हरी मिर्ची मैंने थोड़ा कम डाली थी और इसलिए मैं क्या करूँगी लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा हल्का छोड़ूंगी, ताकि थोड़ा पुलाव का कलर भी है ना थोड़ा सा अच्छा आ जाए और उसका टेस्ट भी थोड़ा बढ़ जाए। तो बस आधा टेबल स्पून जो है मैंने मिर्ची इसमें मिर्ची का पाउडर यानी मिर्च का पाउडर रेड मिर्च पाउडर जो है मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मिक्स तो अच्छे से कर लिया है। अब यहाँ पर इस पोजीशन पर मेरे पास पुदीना नहीं था तो धनिया ही ऐड कर दी, अगर पुदीना होता तो पुदीना भी डालकर ऐड कर देती तो और टेस्ट जो है वो बढ़ जाता। तो मैंने धनिया डाल दी है, धनिया को भी अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया। अब देखिए मसाला यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जल रहा था तो मैंने क्या कर दिया उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करने से क्या होगा मसाले जो है हमारे बिल्कुल भी जलेंगे नहीं। अब पानी थोड़ा मुझसे ज़्यादा गिर गया है, कोई बात नहीं मसाले के साथ वो भून जाएगा तो सूख जाएगा, लेकिन मसाले को आपको भूनना है थोड़ा सा, क्योंकि याद रखिए कोई भी आप सालन बनाओ पुलाव बनाओ चाहे कुछ भी बनाओ, अगर मसाले को आपने अच्छी तरह से नहीं भूना ना तो आपका सालन जो है वो कभी भी टेस्टी नहीं बनेगा। मैंने अक्सर ऐसे लोगों को देखा है बस ऐसे ऐसे डाल देते ऐसे चिप में छिला देते, क्योंकि पता नहीं बेजारी आती है या वक्त की वजह से भी कभी कभी कोई लोग कर लेते, कोई बात नहीं देखो वक्त की वजह से भी होता है, लेकिन क्या है ना अगर जब तक हम इतनी मेहनत कर रहे हैं अगर थोड़ी मेहनत के लिए हम पीछे हट जाए तो फिर सारी चीज़ों का फिर तो सत्यानाश हो गया ऐसा समझो, मेरा मानना ऐसा ही। भाई आपका क्या मानना है आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, हो सकता है कि मेरी सोच गलत हो। तो फ्रेंड्स ये देखिए पानी मैंने ढक्कन ढक दिया था आपके सामने, तो मैंने ढक्कन ढक कर इसे 2 से 5 मिनट तक पका लिया। तो ये देखिए अब जो है पानी सूखने के बाद देखिए मसाला पक चुका है, क्योंकि ये जो तेल है ना ये तेल जब ऊपर आता है तो आप कभी भी समझ जाइएगा कि मसाला अच्छे से पक चुका है। और ये देखिए मैंने क्या किया है मतलब पीछे आपने देखा होगा एक शॉट में, मैंने चावलों को धोकर पहले ही भिगो दिया था 2 से 3 पानी से। अब मैंने यहाँ पर पानी ऐड कर दिया है पुलाव का, मेरे पास दो ग्लास चावल थे तो मैंने 4 ग्लास इसमें पानी ऐड कर दिया था। अब देखिए इसमें थोड़ा सा मैं धनिया और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये टाइम पे जब आप धनिया ऐड करोगे ना तो पुलाव का जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है। पुदीना भी आप ऐड कर दीजिएगा। अब देखिए अब ये तो हो गया, अब ये पानी बॉयल होने के लिए मैंने रख दिया है, चावलों को धुल दिया है। अब साइड बाय साइड मैंने क्या किया था जो चिकन पुलाव बनाने के लिए जो चिकन निकाला था उस चिकन को मैंने अलग से धुल के सारे मसाले लगा दिए हैं। सॉरी मैं आपको बता नहीं पाई कि मैंने क्या क्या मसाले लगाए थे, बस नॉर्मली जो मसाले होते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट था, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और थोड़ा सा मैंने फूड कलर भी डाल दिया था, क्योंकि मेरे बच्चों को रेडनेस बहुत पसंद है, मतलब चिकन लॉलीपॉप वाला चाहिए था उनको, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया, दही डाल दिया, नमक डाल दिया, काली मिर्च का थोड़ा सा पाउडर भी ऐड कर दिया। और अब मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून भर के बेसन का पाउडर है, 1 टेबल स्पून चावल का आटा है और 2 टेबल स्पून मैदा का आटा है। तो फ्रेंड्स मैंने कॉर्नफ्लावर नहीं लिया है, अगर आप चाहो तो चावल के आटे की जगह आप कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हो। आप सबको डालकर थोड़ा सा और मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया, क्योंकि सूखे पाउडर्स थे सब, तो सूखे डालने से क्या होता है थोड़ा सा थिक हो जाता है।
तो मैंने 2 टेबलस्पून पानी डालकर अच्छे से उसको मिक्स कर दिया। अब देखिए चावलों में हमारे पानी में हमारे बॉयल आ चुका है, तो मैंने बिस्मिल्ला बोल के इसमें चावल भी ऐड कर दिया। ये देखिए मैंने, अब मैं इसको स्टर कर लूँगी अच्छे से। जो चावल पतीले में लगे थे वो भी मैंने अच्छे से झाड़ झूड़ के डाल दिए, वेस्ट हमें कुछ भी नहीं करना है। तो ये मैंने डाल दिए अच्छे से, अब इसको एक बार हम स्टर कर देंगे। देखिए कितना अच्छे से माशाल्लाह से, मतलब जब ये पुलाव बन रहा था ना फ्रेंड्स, तो माशाल्लाह से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, बहुत बहुत पूरा घर मेरा महक रहा था। और बच्चे पूछ रहे थे मम्मी चिकन पुलाव बनाए हैं क्या, तो मैं बोली कि नहीं बेटा ये चिकन पुलाव नहीं है, आज मम्मी को आप लोग वेज पुलाव खिला रहे हो, आज मटर पुलाव खाऊंगी आप लोगों के लिए, मैंने अपने चिकन को त्याग दिया है आज। क्योंकि फ्रेंड्स मैं खुद भी बहुत बड़ी फूडी हूँ, लेकिन क्या करूँ जब बच्चों की बात आती है ना, तो मैं हमेशा पहले बच्चों को और अपने हस्बैंड को ऊपर रखती हूँ, उसके बाद अपना ख्याल करती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है दही, जो मसाले में मैरिनेट करने के बाद जो दही बच गया था ना, तो मुझे देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा था, तो मैंने सोचा लाइए थोड़ा दही भी खा लेते। तो एक हाथ से कैमरा था तो आपको बता रही थी, तो दही साइड में गिर गया। दही में थोड़ी सी शक्कर ऐड कर दिए ताकि वो लस्सी की तरह मुझे फ्लेवर दे। अब ये देखिए पानी, 10 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन खोल कर देखा फ्रेंड्स, तो चावलों की कुछ ये पोजिशन थी। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा से पुलाव बन रहा है। बस इसको फिर मैं क्या कर लूँगी, कवर कर लूँगी, फिर से मुझे इसे दम लगाना होगा, क्योंकि अभी देखिए चावल पूरी तरह से पके नहीं है, आप देख सकते होंगे। अब मैंने क्या किया है कि चावलों के अंदर थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है, ये देखिए आप देख रहे होंगे गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया, फिर चावलों को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया ताकि उसकी खुशबू जो है मसाले की सारे पुलाव में आ जाए अच्छे से। अब इसी के साथ देखिए मैं आगे ना थोड़ा सा धनिया भी मैं ऐड करती हूँ, पहले अच्छे से चावलों को हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स देने से क्या होता है, जो नीचे के चावल कच्चे होते हैं ना वो ऊपर आ जाते, सॉरी जो मतलब ऊपर के कच्चे चावल होते हैं ना वो नीचे चले जाते, तो चावल चारों तरफ से एक ही तरह पकते हैं। अब मैंने धनिया डाल दिया, ऊपर से कपड़ा ढक्कन लगाकर ऊपर से एक डिब्बा रख दिया घी का, जो कि खाली है फिलहाल तो, और उसके नीचे मैंने तवा, मैं हमेशा ना फ्रेंड्स इसी तरह से मैं दम लगाती हूँ, इससे मुझे ये फ़ायदा होता है ना, पतीली ना जलती है, ना चावल पकड़ते हैं नीचे से, ना हमारा खाना जलता है। तो आप हमेशा इसी तरह से दम लगाइए, अगर नहीं लगाते होंगे तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तवे को पहले पहले फास्ट गैस पर हम 10 मिनट तक रखेंगे, फिर उसके बाद हम स्लो गैस पर इसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखते आगे, अब देखिए मसाला तो मेरा मैरिनेट हो गया, तो साइड बाई साइड मैंने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है। तो आप सोच रहे होंगे मैं इसमें क्यों फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा जो फ्राई पैन है ना उसमें कुछ और सब्ज़ी बनी हुई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा ही तो चिकन है, चलो इसमें ही फ्राई कर दूँ। तो 10 मिनट के बाद देखिए मैंने ढक्कन हटाकर देखा था एक बार चेक करने के लिए, ये देखिए मेरा पुलाव माशाल्लाह से बहुत बहुत अच्छे से दम हो चुका था, मतलब 10 मिनट फास्ट गैस पे, फिर उसके बाद 15 मिनट तक मैंने स्लो गैस पे रख के मैंने उसको छोड़ दिया था तवे को ठंडा, तवे के ऊपर ही पतीली को, ताकि उसका सारा दम जो है अच्छे से वहीं पर लग जाए। और ये देखिए मैरिनेट मसाला भी अच्छा से मैरिनेट हो चुका है, चिकन भी। अब मैं क्या करूँगी, तेल मेरा गर्म हो चुका है, अब तेल में मैं धीरे धीरे कर एक एक पीस करके मतलब हम उसमें ऐड कर दे जाएंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि मतलब जो ये देखिए जब हम घर में जब ऐसा जब किसी का छोटा किचन होता है ना मेरी तरह, तो देखिए कितना घर में मतलब वो किचन मेरा कितना भरा पड़ा है, क्योंकि मैं एक साइड से वीडियो बना रही हूँ और वीडियो बनाते वक्त बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है फ्रेंड्स। तो देखिए मेरा मतलब किचन पूरा ना, फिर मैं साफ़ कर रही थी बीच में, मैंने साफ़ कर दिया थोड़ा बहुत, मतलब जहाँ का सामान है वहाँ लगा दिया, उसके बाद मैं मतलब उसको एक एक करके डाल रही थी। हम बैचेस में डालेंगे, क्योंकि अगर हम एक साथ पूरा फ्राई पैन भर देंगे ना, तो जो चिकन है ना वो अच्छी तरह से फ्राई नहीं हो पाएगा। और आपको ये भी याद रखना है कि आपको ना मीडियम फ्लेम पहली रखनी है, तेल जब हमारा गर्म हो जाए तो उसके बाद हमको मीडियम फ्लेम कर देनी है, ताकि ऐसा ना हो कि मसाला तो पक रहा है, मतलब ऊपर से चिकन क्रिस्पी तो हो रहा है लेकिन अंदर से जो हमारा चिकन है वो गला ही नहीं है। तो हमको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है, हमको मतलब मीडियम के बाद हम हो सके तो स्लो टू मीडियम पे आप रखकर इसको अच्छे से पकने दीजिए, लेकिन बीच बीच में आपको ध्यान भी देना है। मालूम पड़ा कि आप मेरी बात सुनकर आप इधर उधर मतलब टीवी देखने लगे, मोबाइल देखने लगे, किसी और काम में बिजी हो गए, और मालूम पड़ा कि वो जो हमारा चिकन है वो पूरी तरह से जल गया, नहीं आपको ध्यान भी देना है कॉन्स्टेंटली। तो ये देखिए अब मैं एक एक करके कम लगभग इसको खोने में 5 मिनट लगे थे, 4 से 5 मिनट मैक्सिमम लगे थे। तो फिर मैंने इसको देखिए मैं इसको पलटाने लगी हूँ। अब ये इसलिए नहीं पलट रहा क्योंकि एक हाथ में मेरे मोबाइल है, तो मैंने क्या किया अब मैंने मोबाइल साइड में रखकर मैंने सारे चिकन को है एक एक करके पूरी तरह से हमने पलटा दिए। ये देखिए मैंने पलटा दिया, अब मैं फिर से देखा रही हूँ आपको,
तो इस तरह से मैंने एक 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 बैच करके ना फ्रेंड्स, तीन बैच हुए मेरे। तीन बैच में मैंने सारा चिकन अच्छे से फ्राई कर लिया। ये देखिए मैं निकालती भी जा रही हूँ, निकाल भी रही हूँ, डाल भी रही हूँ, मतलब अच्छी तरह से, ताकि वो काम भी अच्छे से हो जाए, चिकन भी गल जाए और मेरा वीडियो भी अच्छा बन जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, ये टिश्यू पेपर पर रख दिया ताकि जो सारा उसका ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। और चिकन आप यकीन मानेंगे फ्रेंड्स, मैं पहला ही बैच मैंने निकाला था, वहाँ से जूबी आ रही है, वहाँ से जुहेर आ रहा है, वहाँ से उसके अब्बू आ रहे हैं, और एक 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 चिकन करके उन लोगों ने आधा तो वहीं ख़त्म कर दिया था। तो मैं उनको डांटने लगी कि क्यों ख़त्म कर रहे हो, खाना है कि नहीं, कि फिर वेज पुलाव खाओगे, फिर मुझे बोलना मत कि मम्मी आपने इतना सा क्यों बनाया। तो फ्रेंड्स देखिए, सारा मेरा फ्राई व्राई होकर, ये मेरा आखिरी बैच था, ये इस तरह से बस मतलब इतना निकला है, जो बचा कुछ इन लोगों ने छोड़ा था वो भी डांटते डांटते इन लोगों को। तो ये मेरा तो माशाल्लाह से देखिए चिकन पूरी तरह से अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, आप देख सकते होंगे। जैसे कि आप लोग भी फ्रेंड्स मेरी तरीके से एक बार बनाइए, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगा और बहुत अच्छा बनेगा। तो ये देखिए हमारा दस्तरखान सज चुका है, चिकन फ्राई आ चुका है, और साथ में मैंने मेयोनीज, शेजवान चटनी और टमाटो सॉस डाल के डिप बनाई है, और कुकुम्बर काट ली है, प्याज काट ली है, और वेज मटर पुलाव है। यार मेरी जाबिया जो है ना, इसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, जुहेर को 500 बार बोल दो लेकिन जुहेर का एक ही निवाला ख़त्म होता है बस, उसको बहुत बोलना पड़ता है खाने के लिए। तो फ्रेंड्स आइए आप लोग भी हमारे साथ इंजॉय कीजिए, और इंशाल्लाह मेरी तरीके से एक बार पुलाव बनाइए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, झटपट बन जाएगा। अगर आप चाहो तो दूसरी वेजीज़ भी जो है इसमें आप ऐड कर सकते हो, आपको अच्छा लगेगा। और ये जिस तरह से मैंने चिकन फ्राई किया है ना, उस तरह से आप ये डिप बना के दीजिए। जाकिर को ये डिप बहुत पसंद आई थी, जाकिर और जाबिया को, क्योंकि उनको ना मेयोनीज़ वाली मलाईदार कोई भी जिसमें मतलब एक बटरी फ्लेवर होता है ना, वो मेरी बेटी को और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, और मेरे बेटे को ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी बनाइए, खाइए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल। फिर मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।